भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव इस वीडियो में बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव का ये बेहद सिंपल लुक जहां वो प्लेट में रोटी और भुजिया खाते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव सिंपल खाना खाने के बाद काफी मस्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रोटी भुजिया प्लेट में देखते ही खेसारी लाल यादव एकदम मस्त नजर आए और बड़े चाव से रोटी भुजिया के साथ हरी मिर्च खाते दिखाई दिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको बता दें कि इस वीडियो को और फोटो को खेसारी लाल यादव ने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए खेसारी लाल यादव ने लिखा है, रोटी भुजिया यही में स्माइल बा। खेसारी लाल यादव की इस तस्वीर को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन जब खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने कई सवाल किए। खेसारी लाल यादव से जब राजनीति को लेकर के सवाल किया गया तो खेसारी लाल यादव ने अपनी पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के फिर से साफ साफ जवाब दिया। पटना कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। पटना अपना घर है, अपना परिवार है, परिवार के लोग हैं, तो यहाँ तो हमेशा अच्छा लगता है हम लोगों को। जिस तरीके से फिल्म को लेकर के बिहार में जो पहल लगी हुई है, क्या लगता है सरकार क्या और मुहैया कराना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि थिएटर बढ़ना चाहिए और थिएटर बढ़ेगा तो शायद ज्यादा फायदा होगा। और सब्सिडी से तो ये होता है कि प्रोड्यूसर का घर भर जाएगा, बट मुझे लगता है कि थिएटर से बहुत सारे रोजगार भी बढ़ेंगे, वहाँ दुकान बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सब्सिडी से ये होगा कि लोगों का आना जाना अच्छा हो जाएगा, तो दोनों फायदेमंद है, बट ज़्यादा फायदेमंद मुझे लगता है कि थिएटर है, क्योंकि थिएटर से हम बेहतर फिल्म और अपने भाषा को और ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जब आती हैं लोग उस पर जागरूक होते हैं, तो जब सामान बेचने का जरिया होगा तो अप्रोपी आपको मुझे लगता है कि सामान ज़्यादा फीचरिंग होगी या चाहे चीज़ें बढ़ेगी, तो थिएटर ही हमारे पास नहीं है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए वो है, तो उस पे ज्यादा हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सरकार से क्या मांग आपकी? बस मैं चाहता हूँ कि हाँ, जो और बिहार में खास करके ज्यादा करके मुझे लगता है कि हमें थिएटर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि थिएटर बढ़ेगा तो हमारे लोग अपने भाषा के लिए थिएटर जाएंगे और उसमें बहुत सारी चीजें बड़ा होगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा वहाँ से। जिस तरीके से राजनीति में आने की चर्चा हो रही है आपकी? अरे नहीं नहीं भाई, आप लोग के प्यार इतना मिल रहा है मुझे, ये बहुत है मेरे लिए। राजनीति जो जिनको करना है वो कर ही रहे हैं, बाकी हमारे भाई सब राजनीति कर ही रहे हैं। विधानसभा में सबको शुभकामना है और प्रचार करेंगे, हम भी सबको जिताएंगे भाई। हाँ, डांस का बहुत प्यारी फिल्म है और उसके लिए हम भी थोड़ा सा सोचे हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो बहुत प्यारी फिल्म है। जिस तरीके से यूपी में देखा जा रहा है, खास करके मंदिर मस्जिद को लेकर के हंगामे हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, मंदिर और मस्जिद करने से मुझे लगता है कि विकास का कोई मतलब है? विकास तो लोगों के धरती पे आने के बाद होता है, तो विकास बड़ा जरूरी है मुझे लगता है, और मंदिर मस्जिद से घर पेट भरता नहीं। हाँ, सबकी आस्था है, आस्था जरूरी है, लेकिन पेट में अनाज होता है, रोजगार होता है ना, तो आस्था और पूजा पाठ करने में भी मजा आता है, तो ज्यादा जरूरी। बस लगातार फिल्में आ रही है, बस डांस रिलीज है। तो सुना आपने, पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने अपनी राजनीतिक एंट्री को फिलहाल विराम लगा दिया है और कह दिया है कि फिलहाल वो राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा कि जो भी उनके समाज के भाई लोग राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनका साथ देंगे, उनको जाकर जिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।